नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चले नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। खरसावा पुलिस ने जमशेदपुर के कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल हत्याकांड मामले का 72 घंटे के भीतर उद्भेदन करते हुए ज्योति के पति रवि अग्रवाल सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चौंकाने वाला खुलासा कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को चांडिल थाना अंतर्गत कांदर बेड़ा एवं वेव इंटरनेशनल होटल के बीच NH 33 के किनारे जमशेदपुर के कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की अपराधियों ने उस वक्त हत्या कर दी जब साजिश के तहत रवि अग्रवाल अपने दोनों बच्चों एवं पत्नी के साथ पंजाब होटल में खाना खाकर वापस लौट रहे थे। पुलिस के गिरफ्त में आए 3 अन्य अपराध कर्मियों में पंकज कुमार साहनी, रोहित कुमार दुबे और मुकेश मिश्रा शामिल है। पुलिस ने इसके पास से एक लोडेड देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, रवि अग्रवाल के पास से 2 एंड्रॉयड स्मार्टफोन, रोहित कुमार दुबे के पास से एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मुकेश मिश्रा के पास से एक स्विफ्ट कार और 2 एंड्रॉयड स्मार्टफोन और पंकज साहनी के पास से एक एंड्रॉयड फोन बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SP मनीष टोप्पो ने बताया कि मृतिका ज्योति अग्रवाल के पिता प्रेमचंद अग्रवाल ने लिखित आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने अपने दामाद यानी मृतिका के पति रवि अग्रवाल के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत उनकी बेटी को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके बाद चांडिल SDPO के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान के क्रम में पाया कि मृतिका के पति के साथ शादी के बाद से ही अनबन चल रहा था और आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था जिससे वह अपनी पत्नी को सहन नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद रवि अग्रवाल ने 16 लाख में मुकेश मिश्रा तथा उनके 4 अन्य साथी को सुपारी देकर अपनी पत्नी को जान से मारने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार पूर्व में 2 बार विफल हो गए मगर 29 मार्च को निर्धारित योजना के अनुसार रवि अग्रवाल ने अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बलीगुमा स्थित मिनी पंजाब होटल से खाना खाकर चांडिल थाना अंतर्गत कांदर बेरा एवं वेव इंटरनेशनल होटल के बीच NH 30 के किनारे उल्टी करने के बहाने अपनी कार को खड़ा कर दिया। इसके तुरंत बाद मुकेश मिश्रा 3 अन्य साथी के साथ स्थल पर पहुंचा और ज्योति अग्रवाल को सुनियोजित तरीके से कनपट्टी पर बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पेशगी के तौर पर अपराधियों को 3 लाख रुपए दिए थे, बाकी पैसे काम होने के बाद देने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी 4 लाख रुपए में सौदा हुआ था, गंगटोक ले जाकर हत्या करने का प्रयास भी किया था मगर वहां पर वो सफल नहीं रहे। छापेमारी दल में चांडिल SDPO सुनील कुमार रजवार, चांडिल इंस्पेक्टर अजय कुमार, चांडिल थाना प्रभारी वरुण यादव, चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो, खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार, कपाली OP प्रभारी सोनू कुमार, ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे व अन्य शामिल। 23/3/24 को रात 10 बजे के लगभग पीछे चांडिल थाना क्षेत्र से हम लोग को सूचना मिली कि एक कार में फायरिंग हुई है। पता करने पे पता चला कि रवि अग्रवाल है, उनके ऊपर फायरिंग हुई है और उनकी पत्नी गोली लगी है और उनको हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाए, वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया और रवि अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि अपराधकर्मियों के द्वारा उन पर फायरिंग की गई है जिसपे उनकी पत्नी को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं मांग देने के कारण ही इस प्रकार की घटना उनके परिवार के ऊपर हुई है। हम लोगों ने फिर मृतका के पिता जो है वो हमारे पास कॉन्टेक्ट किए, वो हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि उनको संभावना लगती है कि रवि अग्रवाल के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या कराई गई है क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से उनका संबंध काफ़ी ख़राब चल रहा था और इससे पहले भी कई बार फोन ही कर रहा रवि अग्रवाल के द्वारा अपनी पत्नी को मारने का प्रयास किया गया था। तो हम लोगों के द्वारा दोनों तरफ से कार्रवाई की गई, जो उनके ऊपर जो रंगदारी मामला था उस पर भी हम लोग काम करना स्टार्ट किए और मृतिका के पिता के द्वारा जो आरोप लगाया गया था रवि अग्रवाल के ऊपर उस पहलू पर भी हम लोगों ने जांच स्टार्ट किया और हमारी पुलिस की टीम जो है वो मानवीय सूचनाओं के आधार पर एवं तकनीकी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसके द्वारा बताया गया कि रवि अग्रवाल के द्वारा ही
पैसे देकर के आपकी पत्नी को मरवाया गया है। इस क्रम में हम लोगों ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रवि अग्रवाल खुद है, एक पंकज कुमार सुहानी है, रोहित कुमार और मुकेश मिश्रा। इसके अलावा और दो तीन अपराध कर्मियों की हम लोग को और तलाश है। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना है। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।